होल सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते बात की जागीर है, जाके चीन पे कर दमाए तो। कोई सरकार तेलंगाना में ऐसी नहीं चल सकती जिसका स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, मजलिस के पास है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में। अच्छा अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा, मंदिर तो बन रही ना आपकी। सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते बात की जागीर है, जाके चीन पे कर दमाए तो। बोल नरेंद्र मोदी को कि चीन को खार के फेंको, डेपसांग और डेमचांग से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा। नहीं, हम होल सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते। ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన తర్వాత ఈ మేయర్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన తర్వాత బిడ్డ నీ పాత బస్సులో నీ పాత బస్సు మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి వల్ల రోహింగ్యాల ఓటర్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి, పాకిస్తాన్ ఓటర్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొడుకునేటువంటి ఓటర్లు లేని ఎన్నికలు ఈ భాగ్య నగర్ లో జరగాలంటే అది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి। జోముకువా బోలతో మై బీ బోల్ సక్తం బాత్ नरेंद्र मोदी से लेके पूरा शिद्रा निकाल दे तो आरएसएस का खड़े खड़े यहाँ पे। मजलिस साहब के लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना, तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में। अच्छा अगर मेरे हाथ में तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा, मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपया मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके तेरे दामन को, बोलता काहे को। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड